वर्किंग और ऑनली आई एम अभी खेलने के लिए हम खेलते हैं। पहला राउंड का नियम इस प्रकार से है, फर्स्ट राउंड में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे दोगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। एनी टीम यू कैन टेक द ऑब्जेक्शन कि हमको लगता है कि यहाँ पे जो दिया हो गलत है और हमारा जवाब सही है। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको 10 पॉइंट्स दांव पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना? आपके 10 पॉइंट्स दांव पे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्शन सही निकला तो आपके 10 पॉइंट्स आपको वापस मिलेंगे और उसी पॉइंट्स मिलेंगे। आपको ऑब्जेक्शन गलत हुआ 10 पॉइंट्स आप को देंगे, ठीक है ना? इज इट क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीसी बॉन्ड ऑर्डर इन सब ऑक्साइड। वहां से माउस करूंगा यहाँ पे का आंसर आ जाता है और एक क्लिक कुछ सोचते सब ऑक्साइड एंड जस्ट आई एम ट्रैकिंग डिपेंडिंग द क्वेश्चन कितना टाइम देना है वो। लास्ट 5 सेकेंड्स टू गो। हाँ क्या बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल आंसर है 2 और ये जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाब। व्हाट इज आईडी है ना 1.33 इज बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। जस्ट व्हाट इज द CO बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बन सब ऑक्साइड। रॉन्ग आंसर। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ठीक है? कार्बन सब ऑक्साइड सब ऑक्साइड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे CC बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, CO बॉन्ड ऑर्डर भी 2। दिस कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन आना मुझे पता था, नॉट से ओके। मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप नंबर 4। थांबा गो अहेड, गो। ऑप्शन दिखाइए A B C D। बस व्हाट इज द CC बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन। ये आपके लिए प्रश्न, CC बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन। CC बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन आखिरी जवाब होगा। नो चेंजिंग ऑफ आंसर्स। जो फर्स्ट आंसर मुझे मिलेगा वही लास्ट आंसर होगा, याद रखना। इतनी बड़ी ग्रुप उधर। सेकेंड ऑप्शन सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग आंसर। आंसर इज 1.5 बेंजीन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस होता है बेंजीन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, ना ही डबल बॉन्ड बोलेंगे ना ही सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, राइट? 1.5 वाला बॉन्ड ऑर्डर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2-? एक ही जवाब आपको देना है जो भी देने वाले। नीचे 2 है, ऊपर माइनस है। 2.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस ग्रुप टीम 2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2-. क्वेश्चन टीम सी, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2। C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2? फर्स्ट ऑप्शन। पहली बार गलत जवाब दिया आपने, पर दूसरी बार सही जवाब।
एंड हियर वी एंड राउंड नंबर वन. एंड राउंड वन के बाद स्कोर इस प्रकार से है, टी 10 पॉइंट्स, टीम 4 10 पॉइंट्स. नाउ लेट अस मूव टू राउंड नंबर टू. राउंड टू में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे माइनस 10 पॉइंट. और यहां पास हो सकता है अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो चारों ऑप्शन इंटैक्ट रहेंगे. तो क्वेश्चन के लिए भी सेम रूल हो, फॉर द पास क्वेश्चन सेम रूल 20 माइनस 10. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट. उधर उधर चेंज मत करिए मैडम, राउंड वन का उसको अलग रहने दीजिए, राउंड टू का सेपरेट लिखे नीचे अलग से, डोंट मिक्स. सही जवाब 20 पॉइंट, गलत जवाब माइनस 10 पॉइंट. ऑप्शन ए बी एफ 3 इज राइट आंसर. अगला क्वेश्चन टीम 3 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर. सर बी अ रॉन्ग आंसर. बी इज अ रॉन्ग आंसर, यू गेट माइनस 10 पॉइंट्स. टीम 3 माइनस 10, टीम 2 को 20 पॉइंट्स मिले थे, टीम 3 को माइनस 10 पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, आंसर ऑप्शन ए है. वेट अ मिनट, ऑप्शन ए आंसर है बिकॉज नहीं अभी नहीं बताऊं. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर. Sir, third option. Is the right answer. Third option, 20 points. Wait a minute. So that was a round two dipole moment round. I'm going to har round mein topic wise de raha hun. Taki topic wise questions practice ho rahe hain. Dipole moment zero hum kaise bol sakte hain? Jab central atom ke upar ek bhi lone pair na ho, sare surrounding atom same ho. Case A. Case B kab bol sakte hain? IF7 में वो केस था, IF7 में एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं था, सारे सराउंडिंग सेम थे, इसलिए जीरो था. जीरो मतलब नॉन पोलर, नॉन जीरो मतलब पोलर. सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस हो सकता है सेंट्रल एटम के ऊपर दो लोन पेयर और चार सराउंडिंग एटम है, चारों सेम है, मतलब ये क्या है? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री. यहां भी जीरो होता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस हियर एंड देयर. ठीक है ना, तो जनरल थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. हम जाने राउंड नंबर 3 में. राउंड नंबर 3 के लिए आपको साइड आगे नहीं बढ़ाना है, कुछ नहीं है साइड के लिए. राउंड नंबर 3 यहां पे है. ठीक है, राउंड 3 में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए माइनस 10 पॉइंट, और जवाब ना देने के लिए 10 पॉइंट, जवाब नहीं देने के लिए 10 पॉइंट. अब यहां 10 10 10 10 हो गया सबका. पास हो सकता है अगर आपने जवाब दिया नहीं है. ठीक है, अब यहां पे एक अमेजिंग बात है, गो टू नेक्स्ट स्लाइड. बस आपका चॉइस है कौन सा क्वेश्चन चाहिए आपको, जो आप मांगेंगे आपको वही मिलेगा. ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी इस चिट्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है पीछे, यू कैन सी हियर राइट, यहां पे नंबर्स लिखे हुए हैं और पीछे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है. आप नंबर चूज करिए, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आपकी मर्जी है भैया. गोल्डन चांस राइट, गोल्डन चांस, जो प्रश्न आप पूछे वही आपको मिलेगा. एक ग्रुप को दो क्वेश्चन मिलेंगे,
पर मेरे पास है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 9 questions, ठीक है? नसीब के ऊपर है भाई, क्या मिलेगा। एंड ये राउंड किसके ऊपर है? पजांसुल और मोल कॉन्सेप्ट राउंड है। यस, क्वेश्चन नंबर, यस एवरीबॉडी, ग्रुप नंबर 2, सही पिन ड्रॉप, साइलेंस प्लीज, इट्स चांस एंड टर्न फॉर ग्रुप नंबर 1। नाइन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट। क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट। ऑप्शंस दिए हुए हैं NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। लास्ट 5 seconds to go, दिखाओ तो मुझे क्या पता है। ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर, इट्स द राइट आंसर, 20 points, राइट, ओके, नेक्स्ट 3, सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट्स, MgCl2 और CaCl2, इन दोनों में से मोर सॉल्युबल पोलार सॉल्वेंट्स में कौन होगा? आज का मैच आखिरी मैच नहीं है, पहला मैच। अब वो अगर नहीं जवाब दिए तो पास होगा। हाँ, ऐसे टेंशन ले रहे हो आप। सर, ओके, ऑप्शन ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग आंसर, A is a wrong answer. Minus 10 points. मैं आपको इसका सोल्यूशन ही बताऊंगा। इस SQL का और एक खासियत ये है, एटलीस्ट केमिस्ट्री के राउंड्स में, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सोल्यूशन भी आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे वो आंसर्स है, पर अभी नहीं बताऊंगा, बस बाकी क्वेश्चन भी है ना, अगली टीम को ईजी हो जाएगा, कंसेप्ट बता दूंगा। सेवन, क्वेश्चन है 3 moles ऑफ BaCl2 इक्वल्स टू हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरिन। 3 mole BaCl2 में कितने क्लोरिन के एटम प्रेजेंट है? मोल कॉन्सेप्ट, क्विक, लास्ट 5 seconds टू गो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं, मैं देखूंगा यार। 5, फोर,
टीम थ्री क्वेश्चन इज पास ही है वो शीट पास करो इनको नो आंसर वाला पॉइंट लागू नहीं होगा यू लीड ओनली 5 सेकेंड्स 5 4 3 ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको पहले से करना चाहिए था 2 1 पास 5 4 6 एन ए दैट्स राइट आंसर दैट्स राइट आंसर टीम ए इज फॉर टीम नंबर 4 टीम 4 चूज द नंबर 1 मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बाकी लोग तैयार रहे पास हुआ तो ठीक है ना क्वेश्चन है 2N2+3H2 gives 2NH3 रिएक्शन है 2N2+3H2 gives 2NH3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द अबव रिएक्शन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 देन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 विल बी अगर 2 है तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट H2 के होंगे ऐसा प्रश्न लास्ट 5 सेकेंड्स टू गो 5 4 3 क्वेश्चन प्लीज 10 पॉइंट्स 5 4 6 is the wrong answer. Minus 10 points. Team 1. कर सकते हैं आप ऑब्जेक्शन टर्न फॉर टीम यू हैव दिस नंबर्स 2 4 5 6 8 4 22.4 liters of H2 equal to dash grams. 22.4 liters of H2 equal to dash grams. तो नसीब नसीब पे है क्वेश्चन जो आपने चुना वो आपको मिले The right answer is 20 points. कोचेस आप देखते रहे ना बोर्ड 6 0.2 moles of magnesium phosphate contains dash mole of oxygen atoms. 0.2 moles of magnesium phosphate contains dash moles of oxygen atoms. Pass. 5 4 Yes, I will print off silence, please. Yeah.
क्या बोले? प्लीज से लाउडर. 5 4 3 1.6. सिर्फ 1.6. आई कुछ बोलना है? 1.6 मोल है ना? दीजिए तो आई नीड टू सॉल्व. पास नहीं इधर तो. सो मैग्नीशियम फॉस्फेट इज Mg3PO4 ट्वाइस. तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स. 1 मोल में 8 मोल तो 0.2 में 8 × 0.2 1.6 राइट आंसर. 20 points, 3. क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 moles ऑफ प्रोपेन. How many moles of O2 are required for the complete combustion of 3 moles of propane? Five seconds to go. 10. 2 moles of propane. 4 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
कंप्लीट कम्बशन ऑफ 2 moles ऑफ प्रोपेन. सो 2 moles ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या? C3H8. ठीक है, 2 moles चाहिए. 1 mole का निकाल लेते हैं पहले. C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O. हाउ टू बैलेंस अ कंबशन रिएक्शन? छो मतलब CHO. ऑलवेज बैलेंस कार्बन फर्स्ट, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. तो कार्बन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे C3 3 है तो वहाँ पे 3 डाल देते हैं, 3 CO2 हो जाएगा. तो ऑक्सीजन वापस ये हो गए. फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 है, तो वहाँ पे 4 लगा देंगे. तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 ऑक्सीजन हो गए. तो वहाँ 10 है तो कितने O2 चाहिए यहाँ पे? 5 O2 चाहिए. आंसर क्या होगा? 5. हाँ, 1 mole के लिए 5. क्वेश्चन है 2 mole के लिए कितने? 10. जवाब बिल्कुल सही है. बचा है इन सबने मिलके, अनजाने में ही क्यों ना. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड ऑफ फजान स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट 2A. इसमें एक मोल कॉन्सेप्ट है और एक फजान सूर ले. क्या चाहिए आप? 8. कोई भी नहीं, तुम बोलो क्या चाहिए. 8 में क्या है? फजान सूर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयोनिक? AlCl3, MgCl2, NaCl, BaCl2. मोस्ट आयोनिक कौन सा है? AlCl3, MgCl2, NaCl, BaCl2. मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा? इसके बाद एक राउंड आखिरी होगा. लास्ट सी, एंड सी इज अ राइट आंसर. राइट आंसर. ओके, पहले फजान स्थूल के बारे में बात करें.
जितना कैटायन छोटा होगा उतना अधिक कोवलेंट होगा, जितना एनायन बड़ा होगा उतना अधिक कोवलेंट होगा। स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन मोर कोवलेंट कैरेक्टर मोर इज द पोलराइजेबिलिटी राइट। तो उसको उल्टा करेंगे आयनिक कैटर आ जाएगा। आयनिक में क्या होगा, कैटायन बड़ा चाहिए एनायन छोटा, यही फंडा था इसके लिए पोजांस रूल में। और सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, जितना आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतना अधिक सॉल्युबल होगा पोलार सॉल्वेंट में, बिकॉज पोलार सॉल्वेंट में पोलार सॉल्यूट चाहिए, पोलार सॉल्यूट मतलब मोर आयोनिक होना चाहिए। वो फंडा था जो क्वेश्चन में पूछे। समझ लो तो मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने बोला 3 मोल्स ऑफ BaCl2 कितने एटम क्लोरीन, सिंपल है, 1 मोल में BaCl2 में 1 मोल में 2 Cl, मतलब क्या हम बोलेंगे 1 मोल BaCl2 में 2 मोल क्लोरीन एटम। अब कितने एटम पूछा तो मोल को रिप्लेस करके नंबर से, मोल क्या है 6 × 10^23 या सिंपली Na, तो जवाब दिया उन्होंने 6 Na। तो 1 मोल में इतना, 3 मोल में कितना, मल्टीप्लाई मोल वेरी सिंपल। वैसे कन्वर्जन अगर हम, ये क्वेश्चन था वॉल्यूम वाला, तो वी नो दैट 1 मोल 4 लीटर्स एनी गैस, सो हाइड्रोजन गैस 2.4 लीटर दिया था आपको, मतलब 1 मोल एंड 1 मोल 2 ग्राम H2 का, तो सिंपल। इफ वी टॉक अबाउट 2N2+3H2 वाला जो क्वेश्चन थे, सी फॉर एनी रिएक्शन, यहाँ पे मोल नहीं बोला है, ग्राम इक्विवेलेंट बोला है। कोई भी रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट 1 होता है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट 2 होता है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी सेम, समझे क्या? नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं पर ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम होता है पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, है ना, राइट? यू गॉट द पॉइंट? एंड कंबशन वाला रिएक्शन दैट वाज इजी, है ना, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। किसी का कंबशन होता है O2 से ही रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O फिक्स है, एंड बैलेंस कैसे करते हैं CHO, फर्स्ट कार्बन बैलेंस करो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, राइट? दिस वॉज सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट राउंड ऑफ दिस मैच टुडे। इस सही जवाब देंगे तो मिलेगा 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स फॉर द राइट आंसर, एंड इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर हैव नो आंसर। मतलब मान लीजिए, क्या नाम है आपका? विवेक लगड़ जी खड़े हो गए, बजर होंगे उनके ग्रुप के, ठीक है ना, खड़े हो गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया या फिर गलत जवाब दिया, तो दो चीजें होंगी उनके साथ। एक तो आपके ग्रुप को मिलेगा -20 पॉइंट्स, एंड फिर अगला क्वेश्चन आप खेल नहीं सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, अगला मुझे पूछेंगे, उसके लिए आपका टीम एलिजिबल नहीं होगा, यू कैनॉट पार्टिसिपेट, यू विल मिस अ चांस, यू विल मिस अ, मतलब एक तो -20, इट्स नॉट -20, -40 है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस हो जाएगा। तो बजर राउंड बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा, राइट? और एक बार आपका बजर कड़ा हो गया तो कंपल्सरी जवाब देना ही पड़ेगा, और मैं 5 काउंट करूंगा, 5, 4, 3, 2, 1, ये 1 बोलने से पहले जवाब आना चाहिए, 1 बोलने के बाद नहीं, और आप कड़े होने के बाद डिस्कस कर सकते हो, मुद्दा यह है कि मेरा 1 बोलने से पहले जवाब आना चाहिए, और आंसर कोई दे सकता है, बजर कड़ा होना है बस, आंसर एनीबडी कैन गिव। तो हु इज द बजर ऑफ योर टीम? बजर मिलेगा, ठीक है, आप, दीज आर द बजर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, जैसे हैं बोलो तभी आप दिखाना, ठीक है, शो यू डिड शो इट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, शो इट, सर सर सर, ओके, दिस टीम 4, 3, आंसर है 3, चेक कर लेते, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, इट्स डन ऑलरेडी। इनमें से कितने लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं? हाँ, नहीं दिखा सकता, हाँ दिखा सकता, 1, तो
क्वेश्चन नंबर टू शो इट। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। शो करता है, ये ज्योमेट्री करता है। प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब। खुशबू, बाकी बैठ जाइए। 5, 3, 2 Whether it can show optical isomerism, ding 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 ding, सही जवाब। फाइव, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। 4, 3 करेगा, इट्स अ रॉन्ग आंसर, नो पासिंग, एक ही, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, -20। क्वेश्चन नंबर 5 शो। This is the last question of today's match. किसको लेना है रिस्क? कोचेस कोचेस प्लीज डोंट। मैंने एक बार टोटल टोटल करिए, टोटल बंद कर दीजिए। खुशबू 3, एल्डिहाइड दिखा सकता है, एसीटोन दिखा सकता है, एसिटिक एसिड नहीं दिखा सकता, ब्यूटेन 2-ओम दिखा सकता है, पेंटेन 3-ओम नहीं दिखा सकता है। आंसर बिल्कुल सही है। नहीं बोलूंगा क्योंकि पेंटेन 3-ओम भी दिखा सकता है, राइट? ये सारे एल्डिहाइड्स कीटों जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब दिखा सकते हैं। आंसर है 4। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। इतना समय आपने लिया, मतलब मुझे समझ गए। टॉटोमरिज्म दिखा सकता है कि नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है? तो आपने तो एक ही प्रकार पढ़ा होगा, कीटो यू नो टॉटोमरिज्म, मतलब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो टॉटोमरिज्म। कौन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स? 200 है अल्फा हाइड्रोजन। से कीटोन है जो प्रेजेंट है, इसके बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है? अल्फा कार्बन को अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टॉटोमरिज्म दिखा सकता है। कितने इसके पास दिखा सकता है? क्या दिखा सकता है? ब्यूटेन 2-ओन, और आप पेंटेनॉन भी लोगे, यहां पे है हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है क्या? दिखा सकता है ना? दिखा सकता है क्या? पहली बात है, कंपाउंड बराबर है क्या? क्यों बराबर नहीं है? 5 बॉन्ड है तो पॉसिबल ही नहीं है, कंपाउंड ही बराबर नहीं है। सही कंपाउंड बना लेते हैं। यह है बेंजाल्डिहाइड। क्या बेंजाल्डिहाइड दिखा सकता है टॉटोमरिज्म? ये सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाद वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। पहली बात तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो भी अल्फा कार्बन इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो, कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को होना चाहिए हाइड्रोजन, वो है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, राइट? तो दिखा नहीं सकता। इस तरह से हम देखते हैं टॉटोमरिज्म होता है कि नहीं होता है। और ज्योमेट्रिकल का तो बहुत सिंपल फंडा है, 2 कार्बन है डबल बॉन्ड का, इस कार्बन के दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े, इसके भी दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े, तो दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कैन यू गो बैक?
अपन के दोनों ग्रुप कैसे हैं? वेगड़े वेगड़े अलग अलग है। लोन पेयर को भी ग्रुप मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े, इसलिए वो दिखा सकता है। सिंपल सा होता है वो भाई। यहाँ सी एल, यहाँ पे एच, वेगड़े वेगड़े है क्या? वेगड़े वेगड़े है क्या? नहीं है। यहाँ दोनों सेम हो गए, इसलिए दिखा नहीं सकता है। बात सिंपल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आगे जाइए आगे। अभी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक कंडीशन है कायरल सेंटर। तो जिस कार्बन को चारों ग्रुप वेगड़े वेगड़े है वो कायरल सेंटर कहलाएगा, और कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। जब यही कायरल सेंटर होता है ना, सिंगल कायरल सेंटर, तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कोई एक्सेप्शन उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे से सिंगल कायरल सेंटर है, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। चारों अलग अलग ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। जब दो कायरल सेंटर है तब एक एक्सेप्शन आता है कॉल्ड एज मेजो कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड एज मेजो कंपाउंड। किसको बोलते हैं मेजो कंपाउंड? अगर इसको आप बीच से कट कर दोगे ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, मिरर इमेजेस है, बनते हैं क्या? तो उससे क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, परंतु एक एल होता है और एक डी। एक रोटेशन देगा लेफ्ट साइड पे और एक देगा राइट साइड पे। ये रोटेशन देगा लेफ्ट साइड पे 30 डिग्री प्लस 30 हो जाएगा। ये रोटेशन देगा राइट साइड पे 30 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 क्या हो जाएगा? जीरो, न्यूट्रल। तो पूरा ओवरऑल कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसकी वजह से मेजो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं, जब भी दो कायरल सेंटर की इनएक्टिव है। अगर मेयर इमेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस वर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई गिव क्वेश्चंस ऑन। आई होप आज के एसक्यूएल के माध्यम से सिर्फ गेम ही नहीं, आपको कुछ लर्निंग्स भी मिले होंगे। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और जान लेते हैं इस एसपीएल में किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। फर्स्ट मैच में ए विथ 110 पॉइंट्स एकदम ऑर्डर में। टीम टू विथ 60 पॉइंट्स, टीम थ्री विथ 50 पॉइंट्स एंड टीम फोर विथ 40 पॉइंट्स। मतलब स्कोर इज 4-1। देयर इज नहीं है, बस शुरुआत है। किस मैच में गए स्कोर सब क्यूमुलेटिव स्कोर से बनने वाला है, तो आप भी अपना अपनी टीम का स्कोर ठीक है ना, सात मैच में तो वो सारे पॉइंट, हर मैच के पॉइंट्स होंगे वो ऐड होंगे क्यूमुलेटिव स्कोर। और किसी का कोई टाई हो गया, मानो 3-3 आया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये थोड़ी टीम जीत लास्ट का देखेंगे ना। क्यूमुलेटिव में टाई हो गया तब फिर उनके बीच मैच होगा क्यूमुलेटिव, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।